हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। आज के इस वीडियो में मैं कंसीडर करूंगा कोई केमिकल रिएक्शन और उसकी इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हम यहां पे देखेंगे कैसे लिखते हैं और कैसे उसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है कि जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट कराई जाती है तो अमोनिया बनता है एज अ प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन की हमें इक्वेशन लिखनी है और उसे बैलेंस करना है। देखिए, अगर वर्ड इक्वेशन की तरह मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। लेकिन देखो, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, पर वो नाइट्रोजन एटम का सिंबल होता है। नाइट्रोजन गैस जो होती है एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2। ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2, और अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है NH3। तो मैं लिखूंगा N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास सिंबल्स की फॉर्म में आ गई है, बट यहां पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का सिर्फ एक एटम है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं हुई। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। देखो, सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में जो NH3 है उसके आगे मैं 2 लिख दूंगा। इससे क्या हुआ, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन के दो एटम्स है और राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन के दो एटम्स है, लेकिन अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करें। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का सिंबल है H2, इसके आगे मैं 3 लिख देता हूं। इससे क्या होता है, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोजन हो गई और राइट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोजन हो गई। नाइट्रोजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो इस तरह से हमें एक ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिली है। अब देखिए, अभी हमारे सामने ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन सिंबल्स की फॉर्म में आ गई है, बट अभी ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो इसमें हमने एक तो स्टेट मेंशन नहीं की है और हम दूसरा हमने ये नहीं बताया कि ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूसिंग है या हीट एब्जॉर्बिंग है। इस रिएक्शन में ये जो दोनों रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और ये जो प्रोडक्ट है सिंगल प्रोडक्ट अमोनिया, ये तीनों गैसियस स्टेट में होती है। तो इसको मेंशन किया जाएगा कैसे, इनके सिंबल्स के आगे ब्रैकेट्स में जी लिखा जाएगा, जो कि गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो हम राइट हैंड साइड में हीट को एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार हो गई। आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं किसी और केमिकल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।